नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक वाणी पर। और आज के अखबारों का विश्लेषण लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। क्या अब कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या है खबरें, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अखबारों का विश्लेषण। दैनिक जागरण अखबार से शुरुआत करते हैं। दैनिक जागरण ने आज अपना शीर्षक दिया है, अलकायदा के 2 आतंकी लखनऊ में गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश को दहलाने की थी साजिश, नाकाम किया षडयंत्र। 15 अगस्त से पहले कई शहरों में करना चाहते थे धमाके, अयोध्या मथुरा व काशी भी थे निशाने पर, मानव बम से हमले की भी थी तैयारी। दैनिक जागरण का यही शीर्षक है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि 2 आतंकवादियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, 2 आतंकी को, और इन्हें लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है जो है गिरफ्तार किया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ATS है उसने जो है इसे गिरफ्तार किया है। और ATS का कहना है कि ये लोग जो है 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में कई जगह धमाके करने वाले थे। तो ये दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर खबर है, राष्ट्रीय संस्करण में शीर्षक है। और दैनिक जागरण की जो दूसरी खबर है वो है, भारत ने कंधार से निकाले 50 राजनयिक, अफगानिस्तान में संकट, खराब होते हालत के कारण उठाया गया कदम, वायुसेना के विशेष विमान से लाए गए स्वदेश। भारत ने अपने कंधार से अपने तमाम जो राजनयिक हैं उन्हें निकाल लिया है। कल द हिंदू के सूत्रों के हवाले से भी ये खबर थी, द हिंदू में भी, कि निकाला जा सकता है। और अब जो है कल निकाल लिया गया है कंधार से भारत के 50 राजनयिकों को। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्यिक दूतावास जो है वो बंद नहीं किया गया है, स्थानीय स्टाफ से कामकाज जो है वहाँ पर जारी रहेगा। कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार देखेंगे संघ भाजपा समन्वय का काम। अब भाजपा और संघ का जो समन्वय का काम है वो अरुण कुमार जो है देखेंगे कृष्ण गोपाल की जगह। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर जो अगली खबर है वो है, ट्विटर ने स्थानीय शिकायत अधिकारी जो है नियुक्त कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने शुरू किया था नियमों का पालन विनय प्रकाश से की जा सकेगी शिकायतें। भारत का पता सार्वजनिक किया, बीते एक माह में नियमों के पालन की रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच जो विवाद चल रहा था, कोर्ट ने कहा था कि जो ट्विटर है वो अपना अधिकारी नियुक्त करे, वो नियमों का पालन करना शुरू करे। तो अब फाइनली जो है नए IT नियमों का पालन करना जो है ट्विटर ने शुरू कर दिया है। विनय प्रकाश को उन्होंने अपना मुख्य जो है ग्रीवांश अधिकारी जो है वो बनाया है। दैनिक जागरण पर जो अगली खबर है वो चित्रों में जो खुशियां प्रकट की जा रही है, पहले जो निजी अंतरिक्ष यात्री जो यात्रा जो किया गया है तो उसकी खबरें हैं, जिसमें कि भारत की भी एक बेटी जो है वहाँ गई थी, और श्रीसा बांडला और उनके और अरबपति ब्रेंसेंस गए हुए थे। तो उन दोनों की जो वापसी है, 55 मिनट तक इन लोगों ने यात्रा किया, ये खबर भी है। अगली खबर है दैनिक जागरण पर, वो है, समुदायों के बीच न बिगड़े आबादी का संतुलन, योगी मुख्यमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन। उत्तर प्रदेश में जो है नई जनसंख्या नीति का जो है विमोचन कर दिया गया है, ये खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। अगली खबर है, महाराष्ट्र केरल में मामले कम नहीं होने से सरकार हैरान, लगातार महाराष्ट्र केरल में जो है मामले अब भी लगातार आ रहे हैं, कारणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों राज्यों में जल्द भेज सकती है विशेषज्ञों की टीम। देश में प्रतिदिन आने वाले नए केस में आधे से अधिक इन दोनों राज्यों से, 10% से ज़्यादा संक्रमण दर वाले 66 जिलों में केरल के 8 और महाराष्ट्र के 2 जिले जो हैं अभी भी शामिल हैं। तो ये जो है खबरें हैं दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर। तो चलिए अब अगले अखबार की तरफ बढ़ते हैं। अगला अखबार जो हमारे सामने है वो है हिंदुस्तान ने की जो हेडिंग है वो ये है, तालिबान और अफगान सेवा के बीच जबरदस्त लड़ाई की वजह से फैसला, भारत ने कंधार से दूतावास के 50 कर्मी वापस बुलाए। भारत ने जो अपने दूतावास के जो 50 कर्मी बुलाए उनकी खबर है, वायुसेना के विशेष विमान से जो है वापसी की गई है। रूस ने भी जो है अपने राजनयिक जो है बुला लिए हैं, ये खबर भी है। बकरीद जो है 21 जुलाई को मनाई जाएगी, ये भी हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर खबर है। छोड़ संक्षेप में, अंतरिक्ष यात्रा कर लौटी भारत की बेटी श्रीसा बांडला जो लौटी है, और अरबपति ब्रेंसेंस भी गए हुए थे जैसे कि हमने आपको पहले से बताया। अरुण कुमार करेंगे भाजपा से समन्वय, भाजपा और संघ के बीच जो समन्वय का काम है अब अरुण कुमार करेंगे, जैसे कि हमने आपको दैनिक जागरण के पहले पन्ने वाली भी खबर बताई थी। सिकंजा, UP में अलकायदा के 2 बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, ये खबर भी जो भी है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है, दिल्ली के स्कूलों में आयोजनों की छूट, अब दिल्ली के स्कूलों में आयोजन जो है किसी भी प्रकार की किए जा सकते हैं, ये दिल्ली सरकार का फैसला है। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर जो अगली खबर है वो है, ट्विटर ने शर्ते मानी भारत में अधिकारी नियुक्त किया, अब जो है विनय प्रकाश को ट्विटर ने अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया है, ये खबर भी जो है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। संक्षिप्त में है एक और खबर, दिल्ली में पानी संकट, मामला कोर्ट पहुंचा, दिल्ली में पानी संकट हो गया है और ये मामला अब जो है
कोर्ट पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा के खिलाफ जो है कोर्ट पहुंची है और उन्होंने कहा है कि दरअसल हरियाणा जो है उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर आखिरी में खबर है, अर्जेंटीना ने फाइनल में मेजबान ब्राजील को 1-0 से हरा, कोपा अमेरिकी फुटबॉल खिताब जीता, उपलब्धि मेसी ने आखिरकार देश का कर्ज चुकाया। मेसी जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंस किया और इसी के साथ जो है उन्होंने अमेरिकी फुटबॉल जो खिताब है कोपा उस पर अपने देश को जीत दिलाने में सफलता अर्जित की। तो ये थी हिंदुस्तान के अखबार के पहले पन्ने की खबरें। अब हम चलते हैं दैनिक भास्कर की तरफ। दैनिक भास्कर ने जो अपने पहले पन्ने पर खबर लिखा है वो है, निजी विमान से दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्रा सफल, सिरसा से भारत का सिर ऊंचा, ब्रेंसन बोले यह सपने सच करने का समय। तो अंतरिक्ष, पहली अंतरिक्ष से जो यात्रा की गई है निजी विमान से, उसके बारे में खबर है, जैसे कि लगभग अन्य अखबारों के पहले पन्ने पर भी ये खबरें थी। अगली खबर जो दैनिक भास्कर पर है वो है, नोवाक जोकोविच की विंबलडन में हैट्रिक, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में हैट्रिक लगाया है, ये खबर भी है। उड़ियन मंत्री बनते ही सिंधिया ने मध्य प्रदेश को दी सौगात, जबलपुर सूरत समेत शुरू होंगी 8 नई उड़ानें जो है जबलपुर सूरत समेत जो है शुरुआत की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है ये फैसला किया है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर जो खबरें हैं उसमें एक और खबरें हैं, हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, जो पानी का मामला है उसको लेकर जो है ये खबर है, जहां पानी को लेकर विवाद हो रहा है और दिल्ली के कई हिस्से में जो है पानी की किल्लत हो गई है। हैं तैयार हम टोक्यो ओलंपिक को लेकर ये खबर है, 23 जुलाई से जो है 32वां ओलंपियाड जो है वो शुरू हो रहा है और भारत की ओर से भी जो है 120 खिलाड़ियों का दल जो है वो बनाया गया है जो 18 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। तो ये दैनिक भास्कर अखबार के पहले पन्ने की खबरें हैं जो प्रमुखता से छपी हुई। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर एक और खबर है जो उनकी दूसरी प्रमुख पेज जो होती है उनमें ये खबर है कि मलाला को किताब से हटाने की मांग, लोगों का विरोध, किताबों के चैप्टर में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण लोग को लेकर बवाल। दरअसल पाकिस्तान में मलाला को जो है किताबों में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण लोगों में उनको शामिल करते हुए उनको पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन अब इसको लेकर विरोध चल रहा है, लेकिन कुछ लोग विरोध का भी विरोध कर रहे हैं। तो ये दैनिक भास्कर की खबरें हैं। अब हम बात करेंगे द हिंदू अखबार की। द हिंदू अखबार में लिखा है वही खबरें जो ब्रेंसन ने अपनी तस्वीर पोस्ट की है, रिचर्ड ब्रेंसन ने अंतरिक्ष यात्री करने के बाद लिखा है, सटल टू स्पेस, रिचर्ड ब्रेंसन एंड क्रू आर सीन ऑन बोर्ड वर्जिन गैलेक्टिक पैसेंजर रॉकेट प्लेन VSS यूनिटी बिफोर स्टार्टिंग देयर अनदर एसेंट टू द एज ऑफ स्पेस अबव स्पेस पोर्ट अमेरिका, द क्रू सक्सेसफुली फ्लू टू द स्पेस एंड रिटर्न ऑन संडे, जो ये सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से वापस आए। तो ये खबरें दैनिक द हिंदू के अखबार के पहले पन्ने पर है। अंदर के पन्नों पर जो है IT रूल्स एम्पावरिंग विल प्रोटेक्ट यूजर्स से जसवनी वैष्णव ये कहा है IT मिनिस्टर की जो है ये IT रूल जो है वो यूजर्स को प्रोटेक्ट करेगा, ये खबर है। NI raid 7 location in Kashmir सीज डिजिटल डिवाइसेस, NI ने जो है जम्मू कश्मीर में जो है रेड किया है और डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया है, ये खबर भी है द हिंदू के अंदर के पन्नों पर ये खबर है। लेकिन पहले अब बात करते हैं कि पहले पन्ने पर किन कौन कौन खबरें जो है प्रमुखता से द हिंदू ने जगह दी है। द हिंदू ने लिखा है, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कीप्स ऑल सेक्शन इन माइंड, योगी आदित्यनाथ के बयान को जो है द हिंदू ने छापा है, लिखा है, राइजिंग पॉपुलेशन इज द रूट ऑफ मेजर प्रॉब्लम से UP चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कल नई जनसंख्या नीति जो लागू की है और ऊपर जो बयान दिया है वही बयान है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सभी को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है, पॉपुलेशन का बढ़ना जो है दरअसल एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है। द हिंदू पर अगली जो खबर है वो है, चाइना प्रोटेस्ट अगेंस्ट दलाई लामास बर्थडे सेलिब्रेशन, दलाई लामा के बर्थडे सेलिब्रेशन पर जो है चाइनीज़ लोगों ने वो दलाई लामा के विरुद्ध में जो है प्रदर्शन किया। ये तस्वीर दरअसल 6 जुलाई को है की है जब दलाई लामा का बर्थडे मनाया गया था और जब लद्दाख के लोग जो है दलाई लामा का बर्थडे मना रहे थे तो उस वक्त जो है चाइनीज़ लोग जो है इंडस रिवर के उस पार से दलाई लामा का विरोध कर रहे थे। अगली खबर जो है द हिंदू पर वो है, धामी होल्ड्स ऑफ ऑन कांवर यात्रा डिसीजन, वी विल कंसल्ट नेबरिंग स्टेट्स, धामी जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि वो कांवर यात्रा पर डिसीजन तभी लेंगे जब वो अपने अगल बगल के प्रदेशों से इस पर बातचीत कर लेंगे। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ उनसे भी वो बात करेंगे
तभी इस पर बात करेंगे। अगली खबर इस पर यह है कि अखिलेश यादव लेसेस आउट ऑफ बीजेपी ओवर वायलेंस ड्यूरिंग लोकल बॉडी इलेक्शन, इट्स द पार्टी विथ मोस्ट होलीगैनिज्म सेज द एसपी चीफ। सपा की जो मुख्य सपा के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जो है उन्होंने लताड़ा है, जिस तरीके से वायलेंस हुआ है लोकल बॉडी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर जो है उन्होंने आलोचना की है बीजेपी को और बीजेपी पर इस पर हमला किया। ट्विटर ने जो अपना अधिकारी नियुक्त किया है वो भी द हिंदू की अखबार के पहले पन्ने पर खबर है, फर्स्ट रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस फ्रॉम ट्विटर, तो ये खबर भी द हिंदू पर है। अब अगली खबर जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी कि हाईकमान विल डिसाइड ऑन सीएम चेंज बट नो रीज़न फॉर इट नाउ सेज बघेल। भूपेंद्र सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो ये अटकलें जो लगाई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, उस पर जो है उन अटकलों को जो है सीएम भूपेंद्र सिंह बघेल ने जो है वो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ गठबंधन की सरकार जो है नहीं है, दो तिहाई से बहुमत जो है कांग्रेस को मिला हुआ है, तो यहाँ मुख्यमंत्री बदलने का कोई जो कारण ही नहीं है, लेकिन उन्हें जो है कांग्रेस के हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया है और वो इन पर जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। दरअसल उनके वहाँ पे एक कॉम्पिटिटर है टी एस सिंह देव, जो वहाँ के भी इनके सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं, और कहा जा रहा है कि अढ़ाई अढ़ाई साल की जो है डील हुई थी दोनों के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। तो ये खबरें द हिंदू के पहले पन्ने पर है। द हिंदू के पहले पन्ने पर अंतिम में एक और खबर है, मोबाइल थिएटर ग्रुप्स इन असम फेस इट्स ब्लीक फ्यूचर, एक्सपर्ट्स लुक्स एट वे टू रिव्यू द सेक्टर। मोबाइल थिएटर ग्रुप्स जो है वो कोरोना के बाद से वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये खबरें द हिंदू के पहले पन्ने पर है। अंदर के पन्नों पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोवाक जोकोविच विंस 6th विंबलडन टाइटल इक्वलिंग 20th स्लैम, ये खबर भी है। लियोन मेसी अर्जेंटीना पिट्स ब्राज़ील टू विन कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका कब जो जीता है। अंदर के पन्नों पर ये खबरें द हिंदू में है। तो ये थी द हिंदू के अखबार के पहले पन्नों की खबरें। तो ये था आज के अखबारों का विश्लेषण, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।